नेक्स्ट फाइव न्यूज में इस रिपोर्ट में बात करें कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव को कब मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। अब यहाँ पर अखिलेश के सामने और भी चुनौतियां दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम गुट था वो कहीं ना कहीं अब उनसे दूर होता जा रहा है, क्योंकि वे रिसेंटली जिस तरीके से इमरान मसूद ने यहाँ पर इस्तीफा दिया और बसपा में जाकर शामिल हो गए, तो एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर अखिलेश को लगा, क्योंकि आजम खान तो लगातार मुसीबतों से घिरे ही नजर आ रहे थे। रामपुर की सीट यहाँ पर जीत पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता नजर आ रहा है अखिलेश यादव के लिए। अब वहीं पर बात की जाए मैनपुरी सीट, तो मैनपुरी का चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव कक्कड़ है। वहां पर अभी सुर्खियों में नाम है तेज प्रताप सिंह यादव का कि उन्हें आगे किया जा सकता है, क्योंकि वो पहले भी सांसद रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि डिंपल यादव को आगे करना चाहिए, लेकिन घूम फिरा की बात हमेशा रुकती है शिवपाल सिंह यादव पे। अब शिवपाल सिंह यादव को लेकर बता दें तो प्रयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव को भी राष्ट्र स्तर पर अपनी कार्यकारिणी समिति भी बनानी है, तो कहीं ना ऐसा हो जाए कि शिवपाल सिंह यादव को उसका अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव भी एक बड़ी जिम्मेदारी के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके के कयास यहाँ पर लगते हुए नजर आए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था 10 अक्टूबर को, उसके बाद से अखिलेश और शिवपाल एक साथ नजर आए थे, लगातार तस्वीरों में एक साथ देखे गए थे, और ऐसा लगा था कि जो परिवार है वो एक साथ एकजुट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई तो उस समय पर देखा गया कि यहाँ पर शिवपाल का नाम शामिल नहीं था। गोला गोकर्णनाथ के चुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन शिवपाल को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। अब कहीं ना कहीं यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी देते भी अखिलेश तो कोई बड़े स्तर पे दे, तभी यहाँ पर पार्टी का भला हो पाएगा, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है वो रामपुर का हो जाए या फिर मैनपुरी का या फिर नगर निकाय के या फिर लोकसभा के चुनाव, अगर खुद को राष्ट्र स्तर पर साबित करना है तो यहाँ पर किसी न किसी अनुभवी नेता की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि आपको सच में लगता है कि यहाँ पर अखिलेश अपनी नाराजगी भुलाकर शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी देंगे, और शिवपाल क्या यहाँ पर डिजर्व करते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।